जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस डेली चर्चा में। तो आज मैं आपके लिए कुछ बड़ा शॉकिंग सरप्राइजिंग लेके आया हूं जो मुझे गूगल ने आज भेजा है, वो है ये। आप इसमें जो टॉप पर देख रहे हैं 1 मिलियन, ये टोटल व्यूज है इस साल में। सेकंड नंबर पे आप जो देख रहे हैं जो मोस्ट शॉकिंग चीज है वो है इस चैनल पर जो वॉच टाइम आया है 3.9 मिलियन मिनट आया। 3.9 मिलियन मिनट, इसको जब मैंने घंटों में कन्वर्ट किया तो ये घंटा था 65,000 घंटे, साल में कन्वर्ट किया तो ये लगभग 7.5 साल था। मतलब एक साल में, अभी जो साल खत्म भी नहीं हुआ, उस साल में लोगों ने मुझे 7.5 साल सुन लिया। ये दिखाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी, जो मेरी मेरा प्रयास था, मेरी कोशिश थी, वो कितनी कामयाब है। मैं अभी तक टोटल में बताऊं तो 22,712 लोगों के पास पहुंच चुका हूं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको भी दिखाई देता हूं मैं, ये रहा। तो अभी जो टोटल चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हैं 22,712 अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब। और अभी तक हमने ये 12 महीने पूरे भी नहीं हुए और हमने इतना अच्छा खासा अचीव कर लिया 7.5 साल एक साल में। इतना तो कोई नहीं सुनता भाई। और आप देखें तो यूट्यूब पर कितना कुछ है, मतलब देखने को, स्पेंड टाइम मोस्टली आप देखें इंटरटेनमेंट में, गाने वगैरह में चला जाता है। लेकिन सिक्योरिटी जैसे एक, मतलब कोई, मतलब इतना बड़ा चैनल भी नहीं है हमारा, लेकिन अब बड़ा हो गया है भाई कि 7.5 साल सुन रहे हैं। और मतलब इतना बड़ा, ये भी हम फैक्टर भी, टॉपिक भी लेकर नहीं चलते हैं। जैसे सिक्योरिटी का टॉपिक, अब एक स्पेसिफिक टॉपिक है, सिक्योरिटी के लोग ही देखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लोगों ने इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि 7.5 साल, आपने एक साल में देख डाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया आपका, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा उत्साह दिखाने के लिए। और ये जो आपने मुझे दिया है, अब मैं इसको और भर भर के रिटर्न करूँगा आपको, ताकि और वीडियो बना सकूं। आपने देखा मैं पिछले 4-5 महीने गायब था, चैनल पे कोई वीडियो नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर भी कभी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कहाँ है आप, तो महाराज गायब ही हो गए, दिख नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा एक चैनल है द बकैत, जहाँ पर मैं कॉमेडी वीडियो अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा शौकीन हूँ कॉमेडीज वगैरह का। तो आप वो भी, उसका लिंक आप चाहिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेडी वगैरह देख लीजिए कैसी करता हूँ आप, ठीक है ना। तो उस पर टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन जब इतना सारा प्यार आया तो मैं वापस आना पड़ा मुझे, मैं और वीडियो अपलोड करता है। वैसे मैं ट्रेनिंग वगैरह तो करते रहता हूँ, मतलब भाई इसी में आने आपसे थोड़ा मुलाकात होती रहेगी, इसीलिए आप देख रहे हैं डेली चर्चा एक मैंने सीक्वेंस शुरू किया हुआ है, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। जो आप सवाल मुझे कमेंट में करते हो उसी पर जवाब देते हुए मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाऊँ, मतलब ट्रेनिंग मैनेजर का दिनचर्या कैसी होती है, वो कैसे ट्रेनिंग लेता है, कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह होते हैं, ताकि और ज़्यादा आपको सीखने को मिले, कैसे ट्रैवल करना पड़ता है, कैसे कॉस्ट कटिंग वगैरह सब कुछ ही होती है, उस सारी चीज़ों पर हम, मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने को। और वो नए साल तक मैं लॉन्च कर दूंगा, मैंने माइक ऑर्डर वगैरह किया है, तो माइक जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको पूरा दिन का अपना रूटीन दिखाऊंगा कि कैसे दिन की शुरुआत होती है और कैसे दिन का अंत होता है, उस दिन में कौन कौन सी साइट पे विजिट किया, उन साइट्स के नाम भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद उस साइट पे आज के टॉपिक डिस्कशन क्या रहा, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा वहाँ पर, ठीक है ना, गार्ड्स ने कौन सी गलतियाँ की, ताकि आप उन गलतियों से सीखें। देखिए कैसा होता है फ्रेंड्स कि सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन हर बात कैसा होता है, लोग कहते हैं कि ठोकरों से सीखो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों की, अपनी ठोकरों से सीखें, दूसरों की गलतियों से, दूसरों की ठोकरों से भी सीख सकते हैं, बराबर है ना। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे की जो गलतियाँ होंगी, जो कमियाँ होंगी, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको बताऊँगा मैं ये साइट पर गया था तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा था। तो आप भी वो चीज़ अपने में इम्प्लीमेंट करें, सुधार कर सकें, ताकि आप दिन ब दिन बेहतर बन सकें। जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अपने ट्रेनिंग के दौरान भी मैं कहता हूँ कि भाई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको केवल 1% बेहतर बनना है, ठीक है ना। साल में 365 दिन हो, 65 छुट्टियाँ निकाल दो, ठीक है ना। तो आज आज मान लीजिए 1 तारीख है किसी साल का, तो आप आने वाले दूसरे साल तक 3 गुना बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना। 100 दिन में क्या हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा। तो हर साल में 365 दिन हुए, 365 में 65 दिन छुट्टियों के निकाल दीजिए
और आप 300 दिन काम करके साल में भी 3 गुना बेहतर हो सकते हैं। तो अभी आप जो सैलरी कमा रहे हैं उसका आप 3 गुना कमा सकते हैं, आप उससे तीसरे स्टेज पे जा सकते हैं। बस शर्त आपको यही है कि आपको 1% ग्रो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, 1% से ज्यादा ग्रोथ आपको मैं डेली बेसिस पे करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर, सॉरी मेरा कह रहा हूँ, एक्चुअली ये आपका है, ठीक है ना, तो ये चैनल पर अगर आप 15 मिनट दिन के गुजारते हैं, एक वीडियो दो वीडियो भी आप देखते हैं, ठीक है, तो आपका मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी स्टेज पे हैं उस स्टेज पर आप आगे हो जाएंगे। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, सुपरवाइजर के लिए आप अच्छे से तैयारी करके अप्रोच कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए करते हैं, एरिया ऑफिसर के लिए कर सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांच ऑपरेशन तक भी जा सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है। बहुत से लोग एग्जाम्पल है, मैं खुद ही के एग्जाम्पल हूँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से शुरू किया था अपना करियर, लेकिन आज मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कितना कुछ सिखा पा रहा हूँ, आपसे कितना कुछ सीख पा रहा हूँ, आपके जो प्रश्न आते हैं बड़े यूनिक होते हैं, उनको पढ़कर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे भी स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मैंने भी ये बस 5 साल मुझे लगे ये सब काम करने में। आ तो आप, मैंने कितने लोगों को देखा है सिक्योरिटी में क्या होता है, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ये सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन आप, मैंने ये देखा कि अपने तक आप कम्युनिटी टैब में जाके देखेंगे तो बहुत से लोगों ने मतलब ऊपर उठना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड, आप सिक्योरिटी गार्ड रहना नहीं चाहता है, वो सुपरवाइजर बनना चाहता है, सुपरवाइजर भी बहुत, सुपरवाइजर नहीं रहना चाहता बहुत टाइम तक, वो सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहता है, सिक्योरिटी ऑफिसर भी बहुत टाइम तक सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बनना चाह रहा जाता, वो सिक्योरिटी एरिया ऑफिसर बनना चाहता है, एरिया मैनेजर बनना चाहता है, ऑपरेशन बनना चाहता है। ये चीज जो हमने अपने चैनल पे कोशिश की है, मुझे बहुत कामयाब दिखी है। अब तक अब मैं देखूंगा तो कम्युनिटी टेबल लगभग 50-60 स्टोरी में आपको सक्सेस की शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप भी हमारे चैनल को देखते हैं, आपको कोई मदद मिल रही है, आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अपनी स्टोरी हमको शेयर कीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को, अपने फैमिली मेम्बर को दिखा सके और आपकी स्टोरी देखकर उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए दोस्तों। ये गौतम गुप्ता आपका दिल से मतलब आभारी है, धन्यवाद।